हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसान डीजल अनुदान के लिए आवेदन करते वक्त किस प्रकार का डीजल का पर्ची, किस प्रकार के डीजल का वाउचर, किस प्रकार के डीजल का कैश मोमो का प्रयोग करना है। दोस्तों, इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल जानकारी दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक किसान हैं और डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर आप एक साइबर कैफे वाले हैं और डीजल अनुदान के लिए आवेदन करने का काम करते हैं, तो साथियों आप सभी को हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए ताकि आप डीजल अनुदान के लिए जो पर्ची का प्रयोग करते हैं उस पर्ची में जो जो बदलाव आया है फ्रेंड्स, उन सभी बदलाव के बारे में जान सके। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि डीजल अनुदान आवेदन करने में एक बड़ा बदलाव आया है जिसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस को आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन के बगल में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप इस पूरा नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे जिस पे क्लिक करके आप आसानी से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि डीजल अनुदान के लिए पहले जो आप आवेदन करते थे उस समय आप कुछ इस तरह का डीजल का पर्ची या फिर डीजल का वाउचर या फिर डीजल का कैश मोमो का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, अब ये डीजल का पर्ची या फिर कैश मोमो या फिर वाउचर अब मान्य नहीं। अब ऐसे पर्ची से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डीजल अनुदान के लिए आपको जो सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन करते वक्त किस प्रकार का डीजल का पर्ची या फिर वाउचर या फिर कैश मोमो का आप प्रयोग करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अब डीजल का पर्ची या फिर कैश मोमो या फिर वाउचर जब भी आप परचेज करने जाएंगे डीजल, तो फ्रेंड्स आपको अपने साथ किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो किसान पंजीकरण करवाए हैं और आपको जो 13 डिजिट का नंबर दिया गया है उसी किसान पंजीकरण रसीद को लेके आपको पेट्रोल पंप जाना होगा और जब भी आप डीजल परचेज करेंगे तो वहाँ के स्टाफ को बोलना होगा हमारा जो ये किसान रजिस्ट्रेशन संख्या जो कि 13 डिजिट का है ये हमारे जो डीजल का पर्ची है इसमें एंटर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वो जो एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आप आपको बता दें कि जब भी आप पेट्रोल पंप जाएंगे और उसे बोलेंगे हमारा 13 डिजिट का किसान रजिस्ट्रेशन संख्या अपने पर्ची में एंटर करने के लिए, तो फ्रेंड्स उन लोगों का जवाब होगा कि हमारे यहाँ 13 डिजिट का कोई भी अंक डालने का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या जो है 13 डिजिट का उसके लास्ट के 10 डिजिट को आपको पेट्रोल पंप वाले से बोलना है हमारे डीजल के पर्ची में ये लास्ट के 10 डिजिट को एंटर करवा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डीजल लेना है और उसके बाद जो आपको वो पर्ची मिलेगा डीजल का वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको ऐसा ही डीजल का पर्ची लेना है और उसके बाद जिस दिन भी आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उस पर्ची में नीचे में आपको अपना नाम लिखना है, उसके जस्ट नीचे आपका साइन करना है और उसके जस्ट नीचे जिस दिन भी आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। और इन सभी चीजों को लिखने के बाद फ्रेंड्स आपका डीजल का पर्ची कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहले जो आप डीजल अनुदान के लिए जिस डीजल का पर्ची का प्रयोग करते थे वो किसी भी समय सीमा का होता था, यानी कि जो डेट दिया गया है इतना से लेके इतना के बीच का डीजल का पर्ची मान्य है, फ्रेंड्स आप उसी अनुरूप डीजल के लिए आवेदन कर देते थे। अब फ्रेंड्स ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। आप जिस दिन भी डीजल का पर्ची परचेज करेंगे उससे अगले 7 दिनों के अंदर आपको डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। यदि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं तो वो डीजल का पर्ची जो आप लिए हैं वो अमान्य होगा और उस पर्ची से आप डीजल अनुदान के लिए आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप डीजल का परचेज करे और जो पर्ची मिला है आपको उस पर्ची के डेट से अगले 7 दिनों के अंदर ही आपको आवेदन कर देना है। और पर्ची में फ्रेंड्स आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका हस्ताक्षर और जिस दिन भी आवेदन करेंगे उस दिन का डेट डालना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, डीजल के पर्ची में एक और गाइडलाइंस दिया गया है। मान लीजिए आज आप डीजल का परचेज किए हैं और आज ही बारिश हो गया तो फ्रेंड्स आपका वो डीजल का पर्ची अमान्य हो जाएगा और उस डीजल के पर्ची से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जिस दिन भी बारिश हो जाएगा उसके अगले 1 सप्ताह तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं डीजल अनुदान के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप जिस दिन बारिश हो गया है उसके अगले 10 दिन के अंदर यदि आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और इसके अंतर्गत मिलने वाला सब्सिडी की राशि आपको नहीं दिया जाएगा। अतएव जिस दिन भी बारिश होगा उसके अगले कुछ दिनों तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन करते वक्त किस प्रकार का डीजल का पर्ची का प्रयोग होना चाहिए। फ्रेंड्स आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको दो डीजल का पर्ची दिखाई देगा। पहला डीजल का पर्ची में आप देख पा रहे हैं, इस पर्ची से पहले आप आवेदन करते थे जो कि अब अमान्य घोषित हो चुका है, अब इस पर्ची से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बगल के जो पर्ची देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर्ची में हमारा किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, हमारा नाम डाला हुआ है, हमारा हस्ताक्षर डाला हुआ है और जिस दिन भी हम आवेदन करेंगे उस दिन का डेट डाला हुआ है। अब यही पर्ची फ्रेंड्स मान्य है और इसी पर्ची से आपको डीजल अनुदान के लिए आवेदन करना होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।